ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाम राम स्वरूप मीणा, अभी मैं रीजनल मैनेजर गुरदासपुर और एडिशनल चार्ज मुझे अमृतसर का दिया है। और इस सेमिनार का जो रीजनल ऑफिस से जैसे ही आदेश हुआ तो ये FCI का जो इस सेमिनार को आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि शहीदों के जहाँ से शहीद बिलोंग कर रहे हैं, जिस पिंड से शहीद बिलोंग करें, उनके आदर्शों से रूबरू हो, उनकी माटी से रूबरू हो और विशेष तौर से उनके परिवार से रूबरू हो और उनके आदर्शों को बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में उनको प्रसारित करने का आयोजन। आज का प्रोग्राम भाई शहीद भाई जगत सिंह के सम्मान में उनके पिंड सूर सिंह में आयोजित करवाया गया। इस आयोजन को इस प्रोग्राम का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य था कि शहीद के जो देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी थी उनके आदर्शों से सबको रूबरू करवाना। यहाँ ये जो इस पिंड में इस प्रोग्राम में भाई जगत सिंह उनके परिवार के वंशज जो भी परिवार फैमिली मेम्बर है वो सबको बुलाया गया और आए हुए। सर आज क्या क्या प्रोग्राम किया गया उसके बारे में? समारोह में प्रमुख हमारा जो उद्देश्य था शहीदों के परिवार को सम्मानित करना, इसमें हमने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। स्कूल के बच्चों के द्वारा देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पेंटिंग करवाई गई और उनको सबको सम्मानित किया गया। बिल्कुल FCI आगे भी ये प्रोग्राम करेगी। अभी आज का प्रोग्राम यह है, कुछ समय बाद लुधियाना, जालंधर, फरीदकोट में भी हम प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से शहीदों का है वहाँ ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। स्कूल मैडम विशेष तौर से रीता महाजन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में हमको ये आयोजन सफल आयोजन करवाने के लिए बहुत सहयोग दिया। इस प्रोग्राम को आयोजित कराने में, यहाँ की व्यवस्था करवाने में उनका बहुत बहुत सहयोग रहा, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। करने में विशेष तौर से हमारा जो FCI परिवार डिविजनल ऑफिस गुरदासपुर की तरफ से ट्विंकल खन्ना जी, कुमार जी और सर्वेश जी और पूरे परिवार का बहुत बहुत सहयोग रहा। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। FCI का मूल काम है कि देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, किसानों को उनके उपज का सही मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस कोविड के दौरान भी FCI पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 82 करोड़ परिवारों को निःशुल्क PMGKY के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की कर रही है। स्टाफ मेंबर का बहुत अच्छा सहयोग रहा और स्टाफ मेंबर के सहयोग के कारण ये सफल आयोजन कर पाए हैं। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ DM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ DM ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ। शहीद भाई जगत सिंह के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी शहीद परिवार के सदस्यों, स्कूल परिवार के सभी टीचर साहिबान, सभी बच्चों, मैं इस समारोह में आपने जो अमूल्य समय दिया था उसके लिए मैं FCI परिवार अमृतसर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस समारोह को आयोजित करने का एक ही उद्देश्य था कि हम शहीदों के जहाँ से वे बिलोंग करते हैं, जिस पिंड से वे बिलोंग करते हैं, वहाँ जाके कार्यक्रम करने ताकि उनके आदर्शों से सभी बच्चों आजा जिंद शामी वाले नीले आसमाने के तले सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोई ना पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। जिंदे शानी आने के तले सारे तारे नीले आसमान
जिंदे शामी जाने के तले मान रहे हैं हो जे कई बदौलत ही तालियां च कोई कमी ना रखियो दोस्त सर ऐसे साइड ते आओ तुसी सर नाल आओ तुसी सामने देखो जोरदार तालियां अज का साडा जिहड़ा मेन मकसद सी जिहड़ा मेरा यूथ बैठा मेरी बच्चियां बैठियां इत्थे इन्हां नूं जानू करा फिर इधर देख ओके अभी दे दो सर ख्याल तालियां नाल स्वागत करो सरदार दिलबाग सिंह जी का जोरदार तालियां बच्चो सारे इत्थे पंडाल च बैठे सब नूं बेनती करांगा तालियां नहीं रुकनिया चाहीदियां तालियां उदो जा चलो